नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत हरियाणा के वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों की चर्चा की। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार आने से पहले पेंशन के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन 9 साल के बाद सरकार ने इसको ठीक कर दिया है और अब लोगों को अपने घरों पर बैठे कर ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। बड़ा मुझे एक सुकून मिल रहा है आपसे बात करते हुए, खुशी भी हो रही है कि मैं ऐसे अपने साथियों से, जितने लोग आज जुड़े हैं, मुझे लगता है कि आयु में बहुत तो मेरे से छोटे भी होंगे, बहुत मेरे से बड़े भी होंगे, लेकिन एक मन में जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी, कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बनके नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हमें इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था, 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं, चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जब ये 9 साल पहले उस दौर में मैंने देखा, बहुत से लोग पेंशन के पात्र होते थे, उनको मिलती थी, जो पात्र नहीं होते थे वो भी ले जाते थे, और बहुत से पात्र लोगों को भी मिल नहीं पाती थी। इसलिए हमने सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो एक कार्यक्रम किया, एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र, और इस पोर्टल के माध्यम से अब हर व्यक्ति का, प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हमारे पास है, उसके परिवार का डाटा, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी आय क्या है, आमदन क्या है, उसकी आयु क्या है, उम्र क्या है, और जैसे ही उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है, और आपको भी उस समय खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। हमने इस प्रकार से एक व्यवस्था की है कि पहले पेंशन मानो कोई लेना चाहता था, उसकी पेंशन उसके यहां पहुंच नहीं पाती थी, तो कई बार ध्यान में आता था कि बीच में कोई और खा गया पेंशन, किसी का हक कोई और मार ले गया, तो ऐसे हक मारने का भी एक जो सिलसिला होता था उसको हमने बंद किया। खास करके ऐसे परिवार या ऐसे असहाय व्यक्ति जो किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, जिस किसी को इसका मानो कोई उनका हक मार के ले गया तो उसकी जिम्मेवारी किसी को नहीं डाल सकते, तो ऐसी स्थिति कई बार समाज में रहती है। लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार या हक नहीं मार सकता, पात्र व्यक्ति का उसको मिलेगा। हाँ, अपात्र व्यक्ति भी जो यानी पात्र नहीं होते थे, जो उसके हकदार नहीं होते थे, वो भी कई बार ऐसी पेंशन ले जाते थे, तो उनको पेंशन से हमने मना किया है कि जो हकदार नहीं है उसको पेंशन भी नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत लोगों ने तो मुझे ध्यान में है अपने आप भी इस समय पेंशन छोड़ी है। उनका कि ठीक है, हम हकदार नहीं थे, मानो हमने गलती से ली दी है तो हम पेंशन छोड़ते हैं। जो पेंशन 2014 में 1000 रुपया मासिक ये मिलती थी, हमने उस पेंशन को बढ़ा करके हर साल बढ़ाते बढ़ाते और आज स्थिति 1 जनवरी 2024 को ये पेंशन 1000 से 3000 पे हमने की है, यानी 3 गुना ये पेंशन हुई है। और इस पेंशन को पाकर के निश्चित रूप से हमारे 60 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति
उसके अपने ढंग से उपयोग करते भी होंगे, कहीं कोई बेटी आ गई घर में, कोई परिवार के अंदर आवश्यकता है, बच्चों को कुछ सहायता करनी है, अपने आप को खर्च के लिए उसको आवश्यकता है, तो सब खर्च करते हैं ताकि वो किसी के ऊपर अवलंबित ना रहें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें और अपना सिस्टम जो है ठीक से चला पाए। अब इस अगर मैं पेंशन की बात करूं तो जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं उसमें हमारे बुजुर्ग बंधु तो है ही है जिनकी आयु 60 साल से ऊपर है और जिनकी आय अपनी और अपनी पत्नी की अर्थात दोनों की आय मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है, ये सब बंधु तो ले ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हमारी बहनें विधवा हो जाती रही हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने किया है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं लाइलाज बीमारियां, उन लोगों को भी हम ये देते हैं। दिव्यांग बंधु जो अपना ठीक से काम नहीं कर सकते हैं उनको ये पेंशन मिलती है और अब तो एक घोषणा मैंने की है बहुत शीघ्र उनको योजना ये मिलने शुरू हो जाएगी पेंशन। जो हमारे विधुर बंधु हैं जिनकी आयु 40 वर्ष से पार हो गई है, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनको भी ये पेंशन हम दे रहे हैं। और ऐसे ही जिन बंधुओं की 45 साल तक शादी नहीं हुई, 45 साल के होने के बाद उनको भी ये जो पेंशन है हम उपलब्ध कराएंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि योजना के तहत 5 लाख वार्षिक लाभ लिया जा रहा है और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। से कुल मिलाकर 30 लाख लोगों को अब ये जो पेंशन है हर महीने ये जाती है और जनवरी 2024 में अगर मैं 3000 रुपए प्रति व्यक्ति का हिसाब लगाऊं तो 900 करोड़ रुपया प्रति माह हमारा सामाजिक पेंशन लगभग ये साल का 10000 करोड़ रुपए से भी ऊपर बनता है, जो किसी और प्रदेश में इतनी पेंशन नहीं है। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो इस सीमा तक अपनी जो पेंशन है वो बढ़ाकर लेकर के गए हैं। न केवल पेंशन बल्कि गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाभ, जैसे मानो बीपीएल परिवार है तो बीपीएल परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे। हमने बीच में एक बार बहुत प्रयत्न करने के बाद और 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे, बहुत तरह की कठिनाइयां उस समय हमको आई थी क्योंकि हम भी आखिर सरकारी कर्मचारी और बाबुओं से काम लेते हैं लेकिन कठिनाइयां बहुत पैदा होती हैं। लेकिन हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया और एक ही घोषणा की कि अभी तक बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 रुपए साल की है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया और जैसे ही 1,80,000 किया तो ये जो बीपीएल के परिवार हैं ये एकदम डबल से भी ज्यादा और ये हुए हैं। तो बीपीएल के परिवारों को ऑटोमेटिकली अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है, राशन की सुविधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार, यदि कोई परिवार में बीमार हो जाता है, किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है तो ऐसे परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर 5 लाख रुपए वार्षिक इलाज का पैसा ये सरकार खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने गरीब परिवारों को बीपीएल के परिवारों को मिली। लेकिन इतना मिलने के बाद भी क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो सूची थी वो 2011 में बनी थी, हमने उसके बाद नई योजना बनाकर और यही लाभ चिरायु योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार से शुरू की गई, आय बढ़ाई, जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सूची में जोड़ा तो ये 15 लाख परिवार की बजाय ये लगभग 29 लाख परिवार ये उसके बाद हो गए। और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे उन सबको हमने चिन्हित किया, कई परिवार मानो विभाजित होकर के 1 से 2 बन गए, 1 से 3 बन गए। आखिर ये 13 साल की अवधि में समाज के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ तो अभी 2 दिन पहले ही हमने और 14 लाख परिवारों को चिरायु हरियाणा के अंतर्गत जोड़ करके अब ये सूची कुल मिलाकर के 40 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सबके कार्ड धीरे धीरे बन रहे हैं, 80 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं, शेष लोगों के कार्ड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग ये बना रहे हैं। तो परिवार पहचान पत्र में न केवल इतना ही है कि जिससे कोई हमारी ओल्ड एज पेंशन अथवा आयुष्मान भारत अथवा राशन कार्ड इन्हीं का नहीं तो 397 सेवाएं और योजनाएं ऐसी हैं जो आयुष्मान जो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद घर बैठे आपको उसका लाभ होता है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र चाहिए एक क्लिक से मिलता है, किसी व्यक्ति को अपना बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए एक क्लिक से मिलता है, किसी व्यक्ति को अपनी जमीन की फर्क चाहिए एक क्लिक से मिलती है। यानी इतनी सुविधाएं उसके साथ जुड़ी हैं, अब दर दर
न भटकना पड़ता है, न चक्कर काटने पड़ते हैं, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। हमारे विपक्षी बंधु बहुत शोर मचाते थे कि पोर्टल ऐसे बना दिए हैं, लोग जो है पोर्टल में पिस गए हैं। मेरा कहना है ये पोर्टल ही ऐसी चीज है कि हर चीज सुविधाजनक तरीके से बिना उनका खर्च किए, बिना उनका समय लगाए, बिना भागदौड़ किए घर बैठे मिलता है। और मुझे संतोष है इस बात का कि जो हमारे विपक्ष के लोग इस पोर्टल को बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते थे, पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल हटा देंगे, अब आखिरकार वही मान गए हैं कि नहीं, पोर्टल है तो अच्छी चीज, इसमें यदि कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एनएचएम कर्मियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। एनएचएम कर्मी अब महज 750 रुपए देकर 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिवाली आ रही है, ऐसे में हर किसी को तोहफे का इंतजार है। इस कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने इन कर्मियों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। एनएचएम के निदेशक ने इसको लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन को गुरुवार को पत्र जारी कर दिया है। ये लाभ 1,80,000 रुपए सालाना से ज्यादा आय वाले वर्कर्स को मिलेगा। यदि कोई वर्कर इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे शपथ पत्र दाखिल करना होगा। पानीपत के 910 आशा वर्कर्स और एनएचएम के लगभग 400 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा के तहत 1,80,000 से 3 लाख रुपए सालाना आय वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला पिछले महीने ही लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को 1,500 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अब एनएचएम कर्मचारियों और आशा वर्कर्स को मात्र 750 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। क्योंकि 750 रुपए का अंशदान हरियाणा सरकार उठाएगी। जानकारी के मुताबिक किसी सदस्य को ये लाभ नहीं लेना तो 7 नवंबर तक उसे सिविल सर्जन कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। 1,80,000 से ज्यादा आय वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बीमा प्रीमियम का 50% देना होगा। जो कर्मचारी अपने वेतन से सालाना 750 रुपए कटवाने को राजी होंगे उन्हें चिरायु में कवर किया जाएगा, बाकी के 750 रुपए सरकार की ओर से जमा करवाए जाएंगे। मिशन डायरेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर सभी जिलों के सीएमओ को हिदायतें जारी की गई है, साथ ही उन्हें एक हलफनामा भी भेजा गया है। ये स्वघोषित शपथ पत्र उन कर्मचारियों को भरना होगा जो सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त चिकित्सा सुविधा लेने के इच्छुक हैं। कर्मचारियों की सहमति से ही सरकार उनके वेतन में से साल में एक बार 750 रुपए की कटौती करेगी ताकि प्रीमियम जमा करवाया जा सके। सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स यानी एमबीबीएस डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अभी तक इन डॉक्टर्स को 50,000 रुपए मानदेय मिल रहा था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का फैसला लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक की ओर से इसको लेकर सभी सीएमओ को सूचित कर दिया गया है।
जिससे प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स को लाभ मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।